नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं कुछ कटिंग अपने ग्राउंड गार्डन से लेकर आई हूँ जिसको मैं टेरेस पे लगाने जा रही थी, तो सोचा चलो मैं आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर कर दूँ। कुछ प्लांट हमारे गार्डन में थे, कुछ नहीं थे, बट कुछ ऐसे ही प्लांट मैं आज लेकर आई हूँ जो कि नहीं थे तो उनकी मैं कटिंग लगाने वाली हूँ। कौन कौन से प्लांट की कटिंग है दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों ये हमारा कड़ी पत्ता का प्लांट है, इसको मैं ग्राउंड गार्डन से लेकर आई हूँ और ये मतलब बीज से ही ग्रो हुआ था। जहाँ पर करी पत्ता लगा था वहाँ पर उनके बीज गिरे हुए थे और वहाँ पे ये उगा हुआ था। तो मेरे यहाँ पे तो फिलहाल प्लांट था करी पत्ते का, बट क्या था बंदरों ने तोड़ दिया है, तो अभी इनकी जो कंडीशन है थोड़ा सी अभी सस्पेंस में है कि वो सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। तो मैं सोची चलिए एक उसको भी ऐड कर लेते हैं, तो मैंने सोचा वीडियो भी शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करी पत्ता है दोस्तों इनको हम कटिंग से लगा सकते हैं, साथ में सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। अभी गार्डन में बहुत सारे सीड बन रहे होंगे आपके करी पत्ता, अगर आपने लगाया होगा तो उनको आप कच्चे ही सीड ग्रो करिएगा। थोड़ा सा मतलब जब ब्राउन हो जाए, क्या कहते हैं जामुनी कलर का जब हो जाता है तो सीड ग्रो करने के लायक हो जाते हैं। आप कभी भी करी पत्ते को सीड जो सुखा के नहीं ग्रो करें, वो गीले ही रहें यानी कि पके ही रहें तभी आप उनको ग्रो करें। और ये मिट्टी दोस्तों मैं बता दूँ जो मैंने ली है, मिट्टी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, तो वो मिट्टी इसमें राइस हस्क है, वर्मी कंपोस्ट है और इसमें मैंने गार्डन सॉइल ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को मिला के मिट्टी बनाई है। करी पत्ते के लिए दोस्तों नॉर्मल मिट्टी चाहिए होती है, ना कि इनके लिए हमें बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। और ये मतलब इनको अभी हम मैंने कटिंग कटिंग तो नहीं प्लांट ही बोलेंगे, बट कटिंग से लग जाते हैं। अगर आपको लगाना है तो इस टाइम पर लगा सकते हैं दोस्तों। तो इनको हम अभी साइड में रखेंगे, लगाने के बाद में आप अगर करी पत्ते की कटिंग लगा रहे हो दोस्तों तो इनको भी आप साइड में ही रखिएगा, यानी छांव में जहाँ पे सेट हो, और जब अच्छे से सेट हो जाए तब इनको धूप दिखाइएगा, आराम से करी पत्ता लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया हुआ है मोगरे का प्लांट, और ये वाला जो मोगरा दोस्तों है जो लंबी लंबी पत्तियों वाली होती ना वो वाली है, तो मेरे पास नहीं था और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे ग्राउंड गार्डन में मतलब मोगरों की वैरायटी ही लगी हुई है। 6 या 7 वैरायटी दोस्तों हमारे यहाँ पे लगी हुई है, उन्हीं में से ये थी। तो आज मैं जब गई वहाँ भैया से बोलने लगी तो उन्होंने बोला कि हाँ ये वैरायटी है। जब वहाँ जाके देखा दोस्तों तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं नर्सरी में ढूँढ ढूँढ के परेशान हो गई थी और मेरे घर में ही था, तो वहीं से मैं यहाँ कटिंग लेकर आई हूँ। कटिंग ली दोस्तों मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया हुआ है, सैंड जो रेड वाली प्योर सैंड है मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कटिंग 100% लग जाती है। और कटिंग लगाते समय दोस्तों पत्तियों को जरूर रिमूव कर दें, क्योंकि पत्तियाँ जो होती हैं वो कटिंग हिलने के चांसेस रहते हैं, प्लस इनकी जो ग्रोथ होती सारी एनर्जी वो पत्तियाँ ही ले जाती है। जड़ें ही नहीं होंगी तो उनको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जो फूल खिले हुए होते हैं, कलियाँ होती फूल और जो पत्तियाँ होती हैं इनको हटा दें, बाकी जो न्यू लीव्स आते हैं इनको रहने दीजिए, क्योंकि वो उनके ग्रो होने के भी चांसेस रहते हैं जल्दी से। तो कटिंग लगाने के बाद में दोस्तों आप इनको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर छांव हो, डायरेक्ट धूप में मत रखिएगा या पार्शियल धूप, इनको धूप की भी ज़रूरत ही नहीं है। बट अभी अगर आपको इन सारे पौधों की कटिंग ग्रो करनी है दोस्तों तो लगा लीजिएगा, पानी भर के दीजिएगा। और क्योंकि ड्रेनेज अच्छा मैं बना के रखती हूँ, सैंड है, प्योर सैंड है, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि सैंड में फंगस नहीं लगते हैं, ओवर वाटरिंग का चांस होता है, तो इसीलिए इनमें आप पानी देते रहिए हमेशा, नमी बना के रखिएगा, क्योंकि जैसे ही नमी ख़त्म होती सैंड सूख जाती है, तो नमी बना के रखिए कटिंग 100% लग जाएगी। ये दोस्तों कलांचो है, वेरीगेटेड वाले देसी कलांचो हैं, तो ये भी नहीं था मेरे गार्डन में, तो मैं ग्राउंड गार्डन से लेकर आई हूँ और इनको भी कटिंग से लगाऊंगी। आप लोगों को पता है कि जो कलांचो का प्लांट होता है दोस्तों आसानी से कटिंग से लग जाती है, ये वाली वैरायटी मेरे पास नहीं थी तो इसको भी मैं वहीं से लेकर आई हूँ। तो आज ये छोटे से पॉट में लगा रही हूँ, मिट्टी दोस्तों इसलिए गीली क्योंकि मैंने भी वाटरिंग करी है सारे पौधों में, जिसकी वजह से मिट्टी गीली है। हर गमले में मैं पानी डाल देती हूँ, चाहे उसमें पौधे लगे हों या ना लगे हों, बस नमी बना के हम रखते हैं। सो दोस्तों ये वेरीगेटेड वाला कलांचो भी हमारा लग गया, तो इनको हम छांव में ही रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मेरा दोस्तों ये नियोन पोथोस है, यानी कि बेबी मनी प्लांट है, इनको नियोन के नाम से जाना जाता है, निजोय के नाम से जाना जाता है।
और इनके भी आपको पता है जैसे हमारा अदर मनी प्लांट्स होते हैं सेम वैसे ही प्रोसेस होता है, जहाँ पर नए नए इस तरीके से लीव्स निकलती हैं वहीं पर इनके रूट्स भी निकले हुए होते हैं जो एरियल रूट्स होते हैं। बस इनको नमी मिट्टी में दबा दीजिए हल्के से ऐसे, आप ऐसे भी रख दोगे तब भी आसानी से ये लग ही जाता है। तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। अभी कटिंग से हमने ग्रो किया तो इनको दोस्तों छाँव में ही रखना है, उनको धूप में नहीं रखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी गर्मी हो रही है, तो छाँव में रखेंगे आसानी से लग जाती है। बाकी बारिश में तो मनी प्लांट की ग्रोथ तो दोगुनी तेज़ी से होती है, यहाँ पे पानी डाल के छाँव में रख देना। दोस्तों ये पे हमारा ये खूबसूरत सा प्लांट है, ये पे डोरिया का प्लांट है, एक वाइन होती है दोस्तों, और इन्हें भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। हालांकि कटिंग से ही लगा हुआ है, मेरे ग्राउंड गार्डन में ही रखा हुआ गमले में। तो बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का ये होता है, इनकी छोटे से स्टेम लेके मिट्टी में आप गाड़ दीजिएगा, आसानी से लग जाती है। केयर की दोस्तों बात करूँ तो ये क्या कहते हैं इनको, जो पार्शियल धूप होती है वो पसंद होती है, इनको किसी चीज़ का सपोर्ट दे दोगे तो और लंबाई तक जाती हैं, मतलब फैलने वाले पौधे होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। जैसे हमारा टिकोमा वाइन होता है सेम उसी तरीके से ये भी है, जैस्मिन की वैरायटी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, पिंक कलर का है, तो ये पिंडोरिया के नाम से जाना जाता है। तो इनको भी हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। गमले की आप बात करो देख सकते हैं 6 इंच का गमला है और छोटा सा प्लांट है, तो मेरा कहना वही होता जितना बड़ा आप पौधा हो उसी अकॉर्डिंग प्लांट लगाएं। तो कटिंग से अगर आपको कोई पौधा दिखता है तो आप कटिंग से ज़रूर लगा लें। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अरेलिया का प्लांट है, वे भी कटिंग से लगते हैं, वेरीगेटेड वाले हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इस टाइम पे गर्मी दोस्तों चाहे जितनी हो, जितना भी ऑर्नामेंटल प्लांट हो या इंडोर प्लांट हो, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। उसी में से हमारा ये अरेलिया का, ये वेरीगेटेड वाले हैं, बहुत ही अच्छे से इनकी डॉल वैरायटी भी आती है दोस्तों, और ये डॉल वाले जो होते हैं अच्छी लगती है देख सकते हैं, और ये भी कटिंग से ही लगते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली कटिंग से लग जाते हैं। तो जब भी कटिंग ले थोड़ा मेच्योर स्टेम लीजिएगा, आसानी से लग जाती हैं, और सैंड में तो लगाएंगे तो 100% कटिंग लग ही जाती है। तो छाँव वाले पौधे हैं, अगर आपको ग्रो करना है कहीं भी दिखे तो ये पौधा आप ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा पैरेंथेमम है, ग्रीन वाला है, और ये इसमें अभी मतलब येलो और ग्रीन सेड होते हैं, वेरिगेशन जो इसकी होती है येलो ग्रीन रहती, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनकी भी कटिंग दोस्तों आसानी से लग जाती है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, इजी टू ग्रो, इजी टू केयर प्लांट है, छाँव में चलने वाले पौधे हैं, तो इन्हें भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी मेरे पास टेरेस पे भी लगा हुआ है, ग्राउंड पे लगा हुआ है। तो जो दोस्तों बता दो, ग्राउंड पे जो प्लांट लगे होते हैं उनकी कुछ अलग ही ग्रोथ होती है, तो इन्हें भी ज़रूर आप ऐड करें। नेक्स्ट यहाँ पे ये वनफूशिया का प्लांट है, गर्मियों में खिलने वाला पौधा है, इनको भी कटिंग से ही ग्रो किया गया है देख सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही लगाया गया था और अच्छे से लग भी गई है। इनमें दोस्तों इनको टुमारो यस्टरडे इस तरीके के नाम से जाना जाता है। इनके जो फ्लावर होते हैं ना दो कलर में होते हैं, जब खिलेंगे ये तो दोस्तों वाइट कलर के होंगे, दूसरे दिन जब ये हो जाते हैं तो थोड़ा सा ब्लू कलर हो जाता है, बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो इन्हें भी ज़रूर कटिंग से ग्रो करें। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ये इसमें इनको पता ही होगा नाम दोस्तों, अगर किसी को पता होगा तो बताइएगा, ये भी कटिंग से ही लगा हुआ है, उसमें रेड कलर के फ्लावर खिलते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो भी कटिंग से ही लगा देख सकते हैं, बहुत ही लंबी स्टेम गई है, उसमें कलियां भी छोटी छोटी आना शुरू हो गई हैं। तो ये भी सेट में भी रखा हुआ है, यानी पौधों के बीच में बड़े बड़े पौधे उनके नीचे रखा गया है, जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, एक स्टेम का इनको सपोर्ट दिया गया है ताकि अच्छे से ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो वेरीगेटेड वाला है देख सकते हैं, पिंक ग्रीन और पर्पल कलर का वेरीगेशन है, एरेंथेमम है, ये भी एक वैरायटी है, और दोस्तों अलग सा ये कलर ऐड करता है गार्डन में, तो अगर आपको ये वैरायटी कहीं दिखती है तो ज़रूर ऐड करें। बहुत ही आसानी से कटिंग से दोस्तों ये लग जाते हैं, इनकी 2 इंच की कटिंग लेंगे तब भी लग जाएगी। कटिंग लगाने के लिए आप सैंड या नॉर्मल सॉइल भी लेके लगा सकते हैं, बस कटिंग आप छाँव में रखिएगा। ये पौधे भी दोस्तों छाँव ही पसंद करते हैं, इंडोर प्लांट है, कलरफुल प्लांट रहते हैं तो वो भी प्यारे लगते हैं। तो अगर कहीं दिखते हैं इस तरीके के प्लांट तो आप छोटी सी कटिंग लेके, ज़्यादा नहीं 4 इंच या 5 इंच की कटिंग लाइएगा, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे ये ब्रह्म कमल है,
और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और हर कोई ब्रह्म कमल से परिचित होगा। इनकी एक सिंगल लीप से ग्रो हो जाती हैं और ये शुभ प्लांट है, तो इनकी भी कटिंग आप ज़रूर ग्रो करें। ऐसा माना जाता है दोस्तों, इनको चोरी बिल्कुल भी ना करें। कोई गिफ्ट करता है या फिर आप देता है तभी अपने गार्डन में ऐड करें या फिर आप ख़रीद कर लगा सकते हैं, चोरी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वैसे जितने भी लकी प्लांट होते हैं बिल्कुल भी चोरी करके नहीं लगाने चाहिए, कोई गिफ्ट कर दे या फिर हम मांग लें इस तरीके से लगा लेने चाहिए। तो ये थे सारे इतने प्लांट जो मैं कुछ अपने गार्डन से ही कटिंग लगाई थी, कुछ मैंने मांग कर लगाई है। अगर आप लोग भी इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो कहीं से भी ला के जुगाड़ करके इनकी कटिंग ग्रो कर लीजिएगा अपने गार्डन में। और दोस्तों एक बार आ जाते तो फिर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस हम लोग दूसरों को देते हैं। तो मैंने भी कुछ प्लांट दिए हैं, ऐसा नहीं मैं सिर्फ लाती हूँ, देती भी हूँ। तो होता है ना एक्सचेंज जो करते हैं, एक के बदले दो दो, या फिर मतलब जितना हम लोग के पास एक्स्ट्रा होता है ना वो चीज़ हम करते रहते हैं कि हमारे पास ये है आप ले लो, आप जो मेरे पास नहीं आप वो मुझे दे दो, ये चीज़ होता है। तो इन सारे प्लांट की कटिंग दोस्तों आप ग्रो कर सकते हो। इजी टू ग्रो इजी टू केयर प्लांट से लगाने के लिए सेंस वाल लीजिएगा, छाव में रखिए, क्योंकि कटिंग लगाने के बाद में एलोवेरा जेल बेस्ट है रूटिंग हॉर्मोन्स के तौर पे। तो ये सारी थी कटिंग दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।